हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने लावा के मोबाइल का दोस्तों फैक्ट्री रिसेट कैसे कर सकते हो। मतलब दोस्तों जो भी आपका लावा के मोबाइल का डाटा आप इसको कैसे इरेज कर सकते हो, आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट या आप अपने फ़ोन का इरेज ओल्ड डाटा कैसे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने का दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर लेना है, और स्क्रॉल करने का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आप अपने लावा के मोबाइल में यहाँ पे सिस्टम सेटिंग। तो दोस्तों सिस्टम सेटिंग में आपको क्लिक करना है, और सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लैंग्वेज सेटिंग, डेटा टाइम सेटिंग और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपके फ़ोन का सिस्टम अपडेट आया हुआ है, इसके दोस्तों मेरे फ़ोन में भी है पर मैं इसको बाद में अपडेट करूँगा, अगर आपके फ़ोन में तो आप अपडेट कर सकते हो। और आप इसकी वीडियो को भी चेक कर सकते हो अपडेट कैसे करते हैं। रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपने सेटिंग को अगर आप रीसेट करना चाहते हो, जो भी आपके यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क सेटिंग है, ब्लूटूथ नेटवर्क सेटिंग है और वाईफाई सेटिंग, आप इनको यहाँ से रीसेट कर सकते हो दोस्तों। क्लिक करेंगे इरेज ओल्ड डाटा फैक्ट्री रीसेट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है आपके फ़ोन से सबको डिलीट हो जाएगा, मतलब इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। अगर आप करना चाहते हो तो इंटरनल स्टोरेज भी इंक्लूडिंग है, आपका जो गूगल अकाउंट इसके अंदर ऐड है वो भी यहाँ से हट जाएगा। सिस्टम ऐप एंड डाटा एंड सेटिंग से दोस्तों जो भी आपका वो भी डिलीट हो जाएगा। डाउनलोड ऐप्स डिलीट हो जाएंगे, म्यूजिक, फोटोज़ और अदर यूज़र डाटा जो भी आपका है, जो भी दोस्तों आपने ऐप को डाउनलोड कर रखा है, जो भी आप अपने अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर रखा है, वो फोटोज़, म्यूजिक, एवरीथिंग आपके फ़ोन से मतलब डिलीट हो जाएगा सब कुछ दोस्तों। डिलीट करने से पहले अगर आपके पास शेयर मी ऐप है तो आप इसको नियर बाय डिवाइस से आप शेयर मी ऐप में मोबाइल टू मोबाइल अपने डाटा को पहले आप ट्रांसफ़र कर लो। जो भी आपके इंपॉर्टेंट फोटोज़ है, वीडियोज़ है, ऐप्स है, सॉन्ग है, म्यूजिक है, फाइल ट्रांसफ़र करने के बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन में शेयर मी ऐप नहीं है तो आप इस गूगल फाइल को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप नियर बाय शेयर कर सकते हो सेंड पे क्लिक करके। अब दोस्तों जब आपने सब कुछ शेयर कर लिया, आपने अपना बैकअप बना लिया, तब दोस्तों आप इजीली अपने फ़ोन का इरेज ओल्ड डाटा कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से आप इरेज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पे सकते हो जो मेरा गूगल अकाउंट है यहाँ से ये भी दिखा रहा है, यहाँ पे शो रहा है, जैसे यहाँ से मिटाऊंगा ये मेरे फ़ोन से हट जाएगा, फिर मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके इरेज कर सकते हो। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप अपने फ़ोन को पहले कम से कम 60% के आसपास आप इसको चार्ज करके रख लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।